हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं तो हेमंत सरकार के 2 साल राज्यपाल रमेश बिस से मिलकर सीएम हेमंत सोरेन ने दिया कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता। 29 दिसंबर यानी कल हेमंत सरकार 2 साल पूरी कर रही है। इसी के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्यपाल रमेश बिस से सीएम हेमंत सोरेन ने मुलाकात कर आमंत्रित किया है। कार्यक्रम का आयोजन रांची के मोराबादी मैदान में होगा। इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा कई नई योजनाओं की शुरुआत करेगी, वही कई भवनों का उद्घाटन सहित कई युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। राज्य की हेमंत सरकार 29 दिसंबर 2021 को 2 साल पूरी कर रही है। इसी मौके पर रांची के मोराबादी मैदान में कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए राज्यपाल रमेश बिस को सीएम हेमंत सोरेन ने आमंत्रित किया है। बता दें कि राज्य की हेमंत सरकार ने वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित कर रखा है। इसी के तहत कई विभाग जैसे ग्रामीण विकास विभाग, कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य कई विभागों के लिए नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। साथ ही सीएम श्री सोरेन लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के इन इलाकों में आज और कल बारिश, 31 के बाद बढ़ेगी ठंड। झारखंड की राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में अगले 2 से 3 दिनों के लिए ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल झारखंड के कई इलाकों में इन दिनों बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में बादलों की आवाजाही से ठंड से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज 28 और कल 29 को झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में बारिश के बाद फिर से 30 दिसंबर के बाद से ठंड बढ़ेगी और तापमान में गिरावट होगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड के कई जिलों में आज 28 दिसंबर को राज्य के उत्तर पश्चिमी एवं निकटवर्ती मध्य भाग में डाल्टनगंज, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, कोडरमा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में कुछ जगहों पर बारिश होगी। इसके अलावा 29 और 30 दिसंबर को भी राज्य के कुछ भाग में हल्की बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात तो नहीं थम रही है कोरोना संक्रमण की रफ्तार। कोडरमा एसपी और डीएफओ सहित 63 नए संक्रमित मिले। कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पूरी तरह बेकाबू हो गई है। सोमवार को जिले में रिकॉर्ड 63 नए संक्रमित की पहचान हुई है। संक्रमितों में वन प्रमंडल पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक के अलावा सदर अस्पताल के कई कर्मी, एसडीओ कार्यालय के कर्मी, मरकच्चों की महिला चिकित्सा सहित अन्य लोग शामिल हैं। बताया जाता है कि 24 घंटे के अंदर आरटीपीसीआर जांच में 31, टूनेट मशीन में हुई जांच में 18 और रैपिड एंटीजन किट से हुई जांच में 14 लोग के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। संक्रमित जिले के अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले हैं। शहरी क्षेत्र कोडरमा और झुमरी तिलैया में सबसे ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक इन 63 नए केस के साथ जिले में कोरोना के सक्रिय केस की संख्या बढ़कर 179 हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नाइट कर्फ्यू को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कही बड़ी बात। बोले, हम पिछलग्गू नहीं। झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सोमवार को जमशेदपुर पहुंचे। यहां उपायुक्त कार्यालय सभागार में उन्होंने कोरोना संक्रमण और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग सहित तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोगों को आगामी नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि सावधानी पूर्वक नया साल का जश्न मनाएं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए सावधानी जरूरी है। वही नाइट कर्फ्यू के सवाल पर मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि हम पिछलग्गू बनकर नहीं रहना चाहते हैं। अभी स्थिति हमारे नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सही तरीके से आगे बढ़ रहा है। जब स्थिति बद से बदतर होने लगेगी, कड़े निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं मुस्तैद है और हर परिस्थिति से निपटने को लेकर तैयार हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो रांची में 18 पदों पर निकली वैकेंसी, नोटिस जारी। झारखंड के रांची से एक अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रांची में 18 पदों पर भर्ती को लेकर वैकेंसी निकली है। इसके लिए झारखंड SWSM ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है। आप प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े और आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। झारखंड SWSM ने कुल 18 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आप अधिक जानकारी के लिए नोटिस पढ़ें। आपको बता दें कि इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम इंटरव्यू में प्रदर्शन के अनुसार किया जाएगा। पूरी जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार UG, PG, MSc, BTech,
एमटेक, बी, एमबीए आदि निर्धारित किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2022 है। आप अधिक जानकारी के लिए rozgar.jharkhand.gov.in/register पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करो तो बच्चों का वैक्सीनेशन 1 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चे रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। 3 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। कोविन प्लेटफॉर्म चीफ डॉक्टर आर एस शर्मा ने बताया कि इसके लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। डॉक्टर आर एस शर्मा ने बताया कि 10वीं का आईडी कार्ड भी रजिस्ट्रेशन के लिए आइडेंटिटी प्रूफ माना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट के पास आधार कार्ड या फिर कोई दूसरा पहचान पत्र नहीं है। देश में अभी 15 से 18 साल के बच्चों को ही कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इससे छोटी उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन पर सरकार ने फैसला नहीं लिया है। ड्रग्स कंट्रोल ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी भले ही दे दी है, लेकिन सरकार ने अभी 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन ही शुरू करने का फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर की बात को तो मनरेगा के कार्यों का साथ समय निष्पादन करे। मनरेगा के सफल क्रियान्वयन को लेकर राज्य के सभी उप विकास आयुक्तों के साथ ग्रामीण विकास सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने वर्चुअल बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने मनरेगा के कार्यों का साथ समय निष्पादन करने का टास्क सौंपा। उन्होंने कहा कि मनरेगा कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो। मनरेगा का उद्देश्य रोजगार सृजन है। योजनाएं संचालित कर ग्रामीणों को रोजगार मुहैया करवाना सुनिश्चित करें। ग्रामीण विकास सचिव ने एरिया ऑफिसर के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता एवं कनिक अभियंताओं को 50-50 चालू योजनाओं को प्रतिमा निरीक्षण करने एवं जो उसका प्रतिवेदन ऐप पर अपलोड करने का सख्त निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर की बात को तो मनीष जायसवाल मंगलवार को करेंगे जीएम कार्यालय का घेरावा। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल मंगलवार को बिजली विभाग के जीएम कार्यालय का घेरावा करने का निर्णय लिया है। यह घेरावा हजारीबाग सहित पूरे राज्य में अघोषित बिजली कटौती और बिजली की लाचार व्यवस्था को लेकर किया जाएगा, साथ ही हल्ला बोल किया जाएगा। मनीष जायसवाल ने इस हल्ला बोल सह धरने के कार्यक्रम में हजारीबाग वासियों से भारी संख्या में शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की है। बिजली कटौती के कारण हजारीबाग और उसके आसपास बिजली की स्थिति काफी दयनीय है। आम लोग बिल्कुल त्रस्त हैं। इसका असर उद्योग और कल कारखानों पर पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो कोरोना जांच की गति बढ़ाए सरकार। जीनोम सीक्वेंसिंग में नहीं हो कोताही, केंद्रीय टीम की चेतावनी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर रांची पहुंची केंद्रीय टीम ने राज्य में कोरोना जांच की गति बढ़ाने का सुझाव दिया है। साथ ही साथ राज्य में आरटीपीसीआर पॉजिटिव पाए गए सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं होने पर चिंता जाहिर करते हुए राज्य के पदाधिकारियों को इस पर ध्यान देने को कहा है। टीम ने कहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग से ही राज्य में कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चल पाएगा। केंद्रीय टीम ने सोमवार को सबसे पहले रांची के नामकुम स्थित आरसीएच में इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम झारखंड के पदाधिकारियों से राज्य में जो है सर्विलांस व जो है कंटेनमेंट प्लान की जानकारी ली। टीम ने ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से झारखंड लौटे लोगों की कोरोना जांच से लेकर उनकी जो है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जानकारी ली। अगली बड़ी खबर की बात तो चतरा में सड़क हादसे में भाजपा नेता की मौत। चार पहिया वाहन से उतर कर पास कर रहे थे सड़क, बाइक ने मारी टक्कर। चतरा में सोमवार को हुए सड़क हादसे में भाजपा नेता की मौत हो गई है। घटना दोपहर करीब 12 बजे की है। हादसा चतरा बूढ़ा मोड़ रोड स्थित नया पेट्रोल पंप के समीप हुआ है। मरने वाले की पहचान प्रतापपुर प्रखंड के पंचायत चंद्री गोविंदपुर के जो है बाघा कोला निवासी भाजपा नेता शंकर पासवान के रूप में की गई है। उनकी उम्र करीब 45 वर्ष थी। वह अपने पीछे पत्नी सहित 2 बेटी व 1 बेटा छोड़ गए हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो नए साल में बाबा मंदिर समेत अन्य जो है पर्यटन स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चाक चौबंद, हुड़दंगियों पर विशेष नजर। नए साल के अवसर पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ पर्यटक स्थलों पर भ्रमण के लिए जो है काफी संख्या में श्रद्धालु सहित जो है पर्यटक देवघर पहुंचेंगे। इसे देखते हुए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। SP धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि DC और उनके स्तर से संयुक्त आदेश जारी किया गया है। 29 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक पुलिस पदाधिकारियों को बाबा मंदिर पर्यटक स्थल पर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए प्रतिनियुक्त कर दी गई है। नए साल के आगमन को लेकर भारी संख्या में पर्यटक व स्थानीय लोग 31 दिसंबर की रात को जश्न मनाएंगे। वहीं 1 जनवरी को पर्यटक स्थानों और पिकनिक स्पॉट
तपोवन, नंदन पहाड़, पुनासी, त्रिकूट, चिल्ड्रेन पार्क आदि जगहों पर जुटेंगे। इन स्थानों पर जो है उपद्रवियों व हुड़दंगियों पर विशेष नजर रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करो तो 29 दिसंबर को हेमंत सरकार पूरा कर रही है 2 साल। भाजपा बोली, डर और भय के माहौल में जी रही है जनता। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की गठबंधन सरकार 29 दिसंबर को 2 साल पूरे कर रही है। इस मौके पर झारखंड की राजधानी रांची स्थित मोराबादी मैदान में सरकार बड़ा आयोजन करेगी। सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ कई नई योजनाओं की शुरुआत और बड़ी घोषणा की तैयारी है। इधर राज्य की विपक्षी पार्टियों ने सरकार को विभिन्न मोर्चा पर विफल करार देते हुए इसके खिलाफ जागरूकता का अभियान शुरू कर दिया है। राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भाजपा ने सरकार के खिलाफ सोमवार को रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में धरना दिया। भाजपा ने सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल को लेकर रविवार को आरोप पत्र जारी किया और सोमवार को राज्य के सभी जिलों में धरना दिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर सरकार के 2 साल को झूठ और लूट का साल बताया। अगली बड़ी खबर की बात करो तो देवघर में पुलिस ने 6 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। साइबर ठगी कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने का जरिया बनता जा रहा है। देवघर में साइबर ठगी का इस्तेमाल फिर सामने आया है। पुलिस ने 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इन साइबर ठगों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। साइबर अपराध शाखा की DSP सुमित प्रसाद ने बताया कि देवघर जिले के मार्गोमुंडा, कुंडा और मधुपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर इन साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन ठगों के पास में 17 मोबाइल, 26 सिम, 4 ATM, 4 पासबुक और 2 चेकबुक बरामद की है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार साइबर ठग ई वॉलेट और UPI के माध्यम से फर्जी बैंक अधिकारी बन ठगी की वारदात को अंजाम देता था। अगली बड़ी खबर की बात करो तो पूजा मुंडा का झारखंड कबड्डी टीम में हुआ चयन। रांची जिला के अनगढ़ा ब्लॉक की रहने वाली पूजा मुंडा का चयन झारखंड कबड्डी टीम में हुआ है। वह रांची कबड्डी एसोसिएशन की उभरती सब जूनियर कबड्डी खिलाड़ी है। बहिया गांव की निवासी आलोक मुंडा की बेटी अब सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड की टीम की तरफ से खेलेगी। रांची कबड्डी एसोसिएशन के महासचिव प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि पूजा एक उभरती हुई प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। उसकी प्रतिभा को देखते हुए उसे सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य की टीम में खेलने का मौका दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो धनबाद के युवक की अंबाला में मौत। 3 टूरिस्ट बसों के बीच टक्कर में हुआ हादसा। इलाके में शोक की लहर। हरियाणा के अंबाला में सोमवार तड़ाके लगभग 3 बजे जलंधर नई दिल्ली नेशनल हाईवे पर 3 टूरिस्ट बसों के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है जबकि 10 अन्य घायल हो गए हैं। मरने वाले में से एक युवक झारखंड के धनबाद जिले का रहने वाला है। युवक का नाम राहुल बताया जा रहा है। दुर्घटना की सूचना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। बताया जाता है कि युवक का परिवार धनबाद के बांसजोड़ा इलाके के ईस्ट जो है बसुरिया निचितपुरा टाउन शिव थाना के क्वार्टर नंबर 77 के रहने वाला है। अगली बड़ी खबर की बात को तो पलामू में 2 कैदी मिले कोरोना पॉजिटिव। RPF की छापेमारी में धराया था पहला युवक, दूसरा लूटकांड में हुआ था गिरफ्तार। पलामू में अलग अलग मामलों में गिरफ्तार 2 आरोपी सोमवार को मेडिकल जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें से एक आरोपी की गिरफ्तारी RPF की तरफ से की गई थी, दूसरे को पुलिस की टीम ने हिरासत में लिया था। पहले आरोपी पर अवैध तरीके से रेलवे टिकट बनाने का मामला दर्ज है, वहीं दूसरे को लूटकांड में शामिल होने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। जेल भेजने से पहले दोनों की मेडिकल जांच कराई गई। इनके संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। दोनों की जांच मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात हो तो जज उत्तम आनंद मौत मामला। धनबाद और आसपास के जिलों में एक्सीडेंट के मुकदमे का ब्यौरा जुटा रही CBI। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में CBI किसी भी एंगल को नहीं छोड़ना चाहती है। अब तक टक्कर के पीछे किसी मास्टरमाइंड को बेनकाब करने में विफल रही CBI ने अनुसंधान को नया मोड़ दिया है। CBI की टीम ने धनबाद और आसपास के जिलों में वाहनों की टक्कर से हुई मौत या गंभीर रूप से घायल से जुड़े मुकदमों का ब्यौरा जुटाया है। गैर जो इरादतन हत्या के सभी मामलों के आरोपी CBI के रडार पर हैं। अगली बड़ी खबर की बात करो तो कल सरकार के 2 वर्ष पूरे होंगे कई कार्यक्रम। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 29 दिसंबर 2021 को राज्य एवं जिला स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर सोमवार को रामगढ़ उपायुक्त माधव मिश्रा ने अपने कार्यालय के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर हो रही तैयारियों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने लाभुकों को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जिन लाभुकों को जाना है के साथ
समन्वय करते हुए उनके कार्यक्रम में आने जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने सहित अन्य जो है महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में जो आवश्यक निर्देश दिए। अगली बड़ी खबर की बात करो तो आंदोलनकारी दिवस के रूप में मनेगी जयपाल सिंह मुंडा की जयंती। आगामी 3 जनवरी को जयपाल सिंह मुंडा की जयंती आंदोलनकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह निर्णय सोमवार को झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की बैठक में लिया गया है। बैठक मोराबादी स्थित झामो सचेतक मथुरा प्रसाद महतो के आवासीय परिसर में हुई। जानकारी दी गई है कि जयंती पर हिंदपीढ़ी स्थित आदिवासी मैदान में मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा का अनावरण व सांस्कृतिक कार्यक्रम व सभा का आयोजन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करो तो रांची में धड़ल्ले से चल रहा है अवैध फूड वैन का कारोबार। अब नगर निगम ने रख दिए ये शर्त। झारखंड की राजधानी रांची में इन दिनों बिना लाइसेंस के चल रही फूड वैन की जो है भरमार है। 250 फूड वैन में से अब तक महज 25 फूड वैन संचालकों ने ही लाइसेंस लिया है। फूड वैन के 11 जो है मालिकों ने लाइसेंस के लिए नगर निगम में आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक उनके लाइसेंस नहीं बने हैं। दरअसल जो है बिना लाइसेंस के जो है फूड वैन जो है चलने की वजह से नगर निगम को लाखों का नुकसान हो रहा है। इसी को देखते हुए अब रांची नगर निगम जल्द ही जो है गैर लाइसेंसी जो है फूड वैन के खिलाफ अभियान चलाने जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक राजधानी रांची में तकरीबन 275 फूड वैन संचालित हो रही है। शाम होते ही फूड वैन पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है। फूड वैन मालिक नगर निगम से जो है अभी तक लाइसेंस लेने के लिए आगे नहीं आए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।